बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफिया से हैं। मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ नाउन एज कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कम्प्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के रिमेनिंग चैप्टर की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो वो भी उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और अपनी वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले 6.2 में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं इन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द सर्कल, किसी सर्कल के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और आखिर में ये एक रिजल्ट प्रूफ करूँगा कि आपने प्रूफ करना है कि एक लीनियर इक्वेशन यानी ये जो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, ये किसी सर्कल x स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू a स्केयर को ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक लाइन किसी सर्कल को अगर कट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है इसका प्रूफ भी पेपर में आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं फिर बाद में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो ये आपका मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल मैंने लिखा जी, अ लाइन डैट टच द सर्कल एट अ पॉइंट, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, और आगे लिखा एंड डज नॉट क्रॉस इट, और लेकिन उसको क्रॉस नहीं करती वो। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसको टच करेगी तो फिर क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा। तो एक लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसे आप कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस फिगर में आपको फिगर वन में आल लाइंस आर टेंजेंट, आपकी जो लाइन ए बी है, आपकी लाइन जो सी डी है, आपकी लाइन जो ई एफ है, ये तीनों लाइंस इस सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। आगे लिखा मैंने अ पॉइंट वेयर टेंजेंट लाइन टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और वो पॉइंट जहाँ पर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है जाके उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो लाइन ए बी है इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, इसे पी वन कहते हैं, तो पी वन एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इसी तरह अगर इसका नाम पी टू रख लिया जाए तो ये पी टू भी एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इसी तरह अगर आप ये पी थ्री रख लें तो ये भी इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, फिगर टू में ये जो लाइन एक्स वाई मैंने लिखा, लाइन एक्स वाई क्रॉसिस द सर्कल सो एक्स वाई इज नॉट अ टेंजेंट। अब यहाँ पर ये जो लाइन एक्स वाई है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, लिहाजा ये इसके ऊपर टेंजेंट नहीं है। नॉर्मल लाइन टू द सर्कल, अ लाइन डैट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के ऊपर, जो किसी सर्कल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, पहली बात तो ये कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और किस जगह पर पॉइंट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर जाकर टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर फिगर को देखें आपको समझ आ जाएगी, ये अगर मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ये जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी पॉइंट, लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट लाइन है, और सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट पी के ऊपर, तो पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। अब नीचे मैंने यहाँ लाइन लिखी, ये लाइन एल वन इज नॉर्मल टू ए बी। अब ये देखें ये जो लाइन एल वन है ये इस सर्कल के ऊपर नॉर्मल लाइन है क्योंकि ये दो शरायत को पूरा कर रही है, एक तो ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और उस जगह पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो आपके पास ये जो लाइन L1 है ये सर्कल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज वाई आपकी जो लाइन L1 है ये दिस इज नॉर्मल लाइन टू दी टेंजेंट लाइन ए बी। अच्छा, अब अगली बात, नॉर्मल टू द सर्कल, अच्छा अगली बात ये मैंने लिखी, लाइन L2 इज नॉट अ नॉर्मल लाइन टू ए बी, लेकिन जो तो L2 है ये लाइन ए बी के ऊपर नॉर्मल नहीं है, ये इसके ऊपर सिर्फ परपेंडिकुलर है। क्यों नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से नहीं गुजर रही, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये आपका पॉइंट P है। ठीक है, तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि लाइन एक तो होनी चाहिए टेंजेंट,
परपेंडिकुलर, और दूसरा ये होना चाहिए कि वो जनाब आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करनी चाहिए, सही है? तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे और दूसरा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसा है तो फिर उसे आप नॉर्मल लाइन कहेंगे। हाँ, अगली बात, क्या नॉर्मल लाइन सर्कल को क्रॉस कर सकती है? जी, वो बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर्कल में जो डायमीटर है या जो रेडियस होता है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड दी नॉर्मल लाइन टू द सर्कल। अगर आप यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर से ये रेडियस बनाएं, तो रेडियस होता है टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और पॉइंट बी से पास करेगा, सही है। तो अब ये देखें, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये जो लाइन एल वन है, इसको अगर इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ तो पॉइंट पी से भी गुजर रहा है, टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, हाँ उसको क्रॉस भी कर गया, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन क्रॉस कर सकती है, लेकिन वो जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो सिर्फ टच करेगी, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द सर्कल का कॉन्सेप्ट। अगली चीज़ हम ये थ्योरम प्रूफ करते हैं, ये जो रिजल्ट है कि स्ट्रेट लाइन सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट पर टच कर सकती है, और फिर बाद में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करेंगे। तो मैं ज़रा इसको साफ कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। ये बेटा नेक्स्ट, इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। लेट कर लें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे आप क्वेश्चन नंबर वन कह देते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे आप क्वेश्चन नंबर टू कह दें। अच्छा, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल को एटमोस्ट टू पॉइंट पर इस्तेमाल करती है। लफ्ज़ एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? एटमोस्ट टू का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, एटमोस्ट टू पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट पर, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आपका ये सर्कल है तो लाइन इसको इस तरह कट कर सकती है, ये देखें कितने पॉइंट हो गए, ये आपके दो पॉइंट हो गए, या फिर ये हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, यानी ऐसी सूरत में ये इसके ऊपर टेंजेंट हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? लाइन सर्कल को टच ही नहीं करती, लाइन यहाँ पर कहीं बाहर है, ठीक है। तो ये मतलब है ज़्यादा दो का, ज़्यादा ज़्यादा का मतलब, दो का मतलब है दो या उससे कम, ठीक है। एटमोस्ट टू मीन लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू का मतलब है या दो पॉइंट होंगे या एक पॉइंट होगा या कोई पॉइंट नहीं होगा, क्लियर होगी बात कि नहीं? तो जब दो पॉइंट होंगे तो फिर इस तरह की सिचुएशन होगी, जब एक पॉइंट होगा तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी, और जब कोई पॉइंट नहीं होगा तो फिर इस तरह हो जाएगा। ये ग्राफिकली इसका मतलब है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन नंबर वन और टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चलेगा कि भाई ये दो पॉइंट पर कट करती है तो फिर किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, अगर एक पॉइंट पर टच करती है तो फिर सिचुएशन किस तरह की हो सकती है, और अगर बिल्कुल नहीं टच भी नहीं करती, क्रॉस भी नहीं करती, नाइदर टच नॉर क्रॉस, तो फिर सिचुएशन किस तरह की है। तो आगे क्या करने लगा हूं, फर्स्टली वी फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं? आप क्वेश्चन नंबर टू को क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर देते हैं, यानी वाई की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दें। आप लिख लीजिएगा पुट टू इन वन, चलो मैं लिख देता हूं, पुट क्वेश्चन टू इन क्वेश्चन नंबर वन, तो यह देगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, तो वाई कितना है, एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू आ जाएगा ए का स्केयर। अब इसको जरा सोल्व करें, स्केयर ओपन करें। अब इस तरह का क्वेश्चन ये आपने अपने चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में करके आए थे, जहाँ पर नेचर ऑफ द रूट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल ये वही चीज़ आ गई है, इसको सोल्व करें, आ जाएगा एम का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस टू एम एक्स सी, ए स्केयर को इधर शिफ्ट कर लें, माइनस ए स्केयर इक्वल टू जीरो। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्केयर एक्स में, यहाँ से पहले एक्स स्केयर कॉमन निकाल लें, यह आ जाएगा एक्स स्केयर इन कॉमन निकाला है वन प्लस एम स्केयर प्लस ये आ जाएगा टू एम सी इन टू एक्स, और ये आपका आ गया कॉन्स्टेंट सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर इक्वल टू जीरो। इसे क्वेश्चन नंबर आप वन टू इसे थ्री कह देते हैं। थ्री इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वेश्चन थ्री इज क्वाड्रेटिक इन एक्स,
अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो रूट। अच्छा, उन रूट्स की नेचर किस तरह चेक करते हैं? उन रूट की नेचर चेक की जाती है डिस्क्रिमिनेंट से। किसे चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से, डिस्क्रिमिनेंट से। और डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आपको याद हो है कि नहीं है? तो अब अगली बात यह है कि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये क्वाड्रेटिक बन गई है एक्स में, तो मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है। ये सर्कल को अगर दो पॉइंट पर टच करती है तो फिर किस तरह की सिचुएशन होगी? अगर एक पॉइंट पर टेंजेंट है फिर क्या होगा? नाइदर टच नोर क्रॉस, वो क्या है? तो पहला काम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको चाहिए बी की जरूरत, डिस्क्रिमिनेंट डी की जरूरत, बी का स्केयर माइनस फोर ए सी, इसकी जरूरत है आपको। बी क्या है यहाँ पर? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर आपका ए जो है वो आ गया वन प्लस एम का स्केयर, बी आपका है टू एम सी, और कांस्टेंट सी जो है वो आपका है सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो यहाँ पर बी आ गया आपका टू एम सी होल स्केयर, फोर ए कितना है? ए आपका आ गया वन प्लस एम का स्केयर, आगे सी कितना है? सी आ गया आपका सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। इसको ओपन कर लें, ये आ जाएगा फोर इंटू एम का स्केयर सी का स्केयर माइनस फोर, इनको उधर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर प्लस एम का स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए का स्केयर। इन दोनों में से आप फोर कॉमन निकाल लें, फोर कॉमन निकाल लिया, ये रह गया एम का स्केयर सी का स्केयर, और यहाँ ब्रैकेट भी ओपन कर दें, माइनस सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस एम स्केयर सी स्केयर प्लस एम का स्केयर ए स्केयर, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर आप देखें ये एम स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिचुएशन आपके पास क्या बचेगी? फोर इंटू माइनस सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक और काम कर रहे थे, यहाँ से ए स्केयर कॉमन निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं साथ ही, फोर इंटू माइनस सी का स्केयर प्लस ए स्केयर कॉमन आ गया, बाकी रह गया वन प्लस एम का स्केयर, क्वेश्चन बस खत्म होने लगा। अब आपने लिखना है इसे क्वेश्चन नंबर फोर कह दें, ये मुझे बताएं कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं? आप जानते हैं रूट्स रियल डिस्टिंक्ट तब होते हैं जब बी का स्केयर माइनस फोर ए सी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी जब हो ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट्स ऑफ फोर आर, पहली बात, रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ, अगर आपका बी स्केयर माइनस फोर ए सी का जो जवाब है वो आए ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसी सूरत में क्या होंगे? रूट आपके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी का आंसर क्या निकालना है? वो ये आया आपके पास, ये आ गया फोर इंटू माइनस सी का स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू वन प्लस एम का स्केयर ग्रेटर देन जीरो। ये आपके पास फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ख़त्म हो जाएगा जाके, ये रह जाएगा माइनस सी का स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर ग्रेटर देन जीरो, माइनस सी स्केयर है दोनों तरफ, सी स्केयर प्लस कर देंगे, ठीक है, या इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगी जी आपकी ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर ग्रेटर देन सी स्केयर, और लिख सकते हैं सी स्केयर इज लेस देन ए स्केयर इंटू वन प्लस एम का स्केयर। ये क्या निकाला है हमने, ये क्या शो कर रहा है? ऊपर वाले लिखा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। अब रूट का रियल और डिस्टिंक्ट होना क्या शो करता है? कि दो रूट हैं, दोनों रियल हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब ये लाइन और ये जो सर्कल है एक दूसरे को कट करेंगे तभी ये दो रूट निकलेंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, जिन्हें आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे दो, ठीक है, और ऐसी सूरत में आपके पास लाइन जो है वो सर्कल को क्रॉस करेगी।
ठीक है। तो आप लिखेंगे सो लाइन क्रॉसिस द सर्कल, क्रॉसिस द सर्कल व्हेन, व्हेन आपका सी स्केयर जो है वो लेस देन होगा ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर से, ठीक है। और इस सूरत में आपकी फिगर ये बनेगी, ठीक है। जब ये फिगर बनेगी तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हेन द लाइन क्रॉसिस द सर्कल देन सी स्केयर इज, सी स्केयर इज लेस देन ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगली बात, अब अपने चलना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तरफ। तो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट, अब रूट्स रियल और रिपीटेड कब होते हैं? रूट्स विल बी रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लफ्ज कोइंसिडेंट का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स रियल और रिपीटेड या सेम कब होंगे? जब आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। जब ये इक्वल टू जीरो आएगा तो फिर क्या होगा? अब ये सारा करने की जरूरत नहीं है आपको, अब ये सारा करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इतना करना है आपने कि इस मरतबा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन आया था ना ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा इस मरतबा इक्वल टू जीरो, बस ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सारा करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप सिर्फ इक्वल टू जीरो लगा देंगे। तो ये जो चीज़ है, दिस शोज डैट दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द सर्कल, इसको आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द सर्कल भी बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जिसके तहत आपकी लाइन सर्कल के ऊपर क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। अगर आपका सी स्केयर, सी का स्केयर इसके बराबर होगा, ठीक है, तो आपकी लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी, सही है। इस सूरत में आपकी फिगर ये बनेगी, ठीक है, यानी एक लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। तो इस सूरत में लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है ना, यही डेफिनेशन है ना। और ऊपर मैंने क्या लिखा था, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रियल और रिपीटेड का मतलब क्या है, कि रूट एक ही है। जब आप कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड सेम या रिपीटेड या कोइंसिडेंट, तो इसका मतलब क्या है, कि रूट सिर्फ एक है। जब एक है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक निकलेगा, एक निकलेगा तो लाइन उसको टच कर जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी इस मरतबा, सही है। और जब ऐसा होगा तो ऐसी जरूरत में आपका सी स्केयर इसके बराबर आ जाएगा। आखिरी केस, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, उस सूरत में क्या होता है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे तो ऐसी सूरत में जनाब होता यह है कि आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं लेस देन जीरो आता है, तो लेस देन जीरो आता है तो इसमें तो यहाँ पर लेस देन जीरो आ जाएगा, ये लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये जब उधर चले जाएगा ये आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन, यानी कि दूसरे बात में आपका सी स्क्वायर जो है इस मरतबा ग्रेटर होगा वन प्लस एम के स्केयर से, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ग्राफिकली क्या होगा, ऐसी सूरत में ग्राफिकली ये होगा कि ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, सर्कल से बाहर है कहीं पर है, लेकिन ना तो सर्कल को वो टच कर रही है ना क्रॉस कर रही है। इन दिस केस लाइन नाइदर टच नॉर क्रॉस द सर्कल। एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है, कह सकता है कि अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नाइदर टच नॉर क्रॉस द सर्कल इफ, आप कहेंगे इफ सी स्केयर इज ग्रेटर देन ए स्केयर इंटू वन प्लस एम का स्केयर। इन तीनों चीज़ों को समझाने के लिए एक एमसीक्यूज मैं ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर चले मैं इधर कर लेता हूँ ताकि चले आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। वैसे तो ये एंटी टेस्ट टाइप का एमसीक्यूज है। मिसाल के तौर पर मेरे पास सर्कल ये है, लाइन y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव इज टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन। ऑप्शन ए टेंजेंट टू द सर्कल, ऑप्शन बी क्रॉसिस टू द सर्कल, ऑप्शन सी नाइदर टच नॉर क्रॉस टू द सर्कल, ऑप्शन डी क्रॉसिस एट
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स। पहली बात, ऑप्शन डी तो ठीक बिल्कुल नहीं हो सकती। एक लाइन सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है। ऑप्शन डी छोड़ दें, पहली तीन ऑप्शन में से जवाब है आपका। मालूम कैसे करना है देखें, मालूम जनाब आपने इस तरह करना है कि आपकी इस लाइन में आपको ज़रूरत है सबसे पहले, ये जो लाइन है ना हमारे पास वाई देखो डेम एक्स प्लस सी, इसमें एम क्या है, एम है 3 के बराबर, सी है 5 के बराबर। आपने कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है आपको पता है, आपको चाहिए सी, आपको चाहिए ए और आपको चाहिए एम, सही है। सी 5 आ गया, एम 3 आ गया, ए चाहिए वो आपको। ए स्केयर की वैल्यू है यहाँ पर 9, ये इस सर्कल को आप इसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस ए का स्केयर, तो ए स्केयर की वैल्यू 9 है। नहीं जी, अब मुझे बताएं, एक तरफ मैंने निकालना है सी का स्केयर, तो सी का स्केयर आ जाएगा 5 का स्केयर, डैट इज इक्वल टू 25। दूसरी तरफ मैंने निकालना है ये चीज़ ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम का स्केयर, तो ए का स्केयर कितना है 9 है। आगे 1 एम का स्केयर कितना है, एम का स्केयर भी आ जाएगा 9, ये आ गया 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 9 कितना बन गया 90। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो चीज़ें निकाली हैं सी के स्केयर ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम के स्केयर, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों बराबर हैं, वो 25 है और ये 90 है, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, छोटा कौन सा है, आपका सी स्केयर लेस देन है, आपका सी स्केयर लेस देन है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर से। तो मैंने बताया था कि जब आपका सी स्केयर ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर से छोटा होगा तो ऐसी सूरत में क्या होगी, लाइन क्रॉस करेगी सर्कल को। तो इसकी जो सही जवाब है वो ये है, लाइन क्रॉसेस द सर्कल, ठीक है। अगर आप इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन इस सर्कल को क्रॉस कर देगी दो पॉइंट के ऊपर, क्लियर होगी बात के नहीं। तो ये इस टॉपिक को अगर आप एम सी क्यूज की शक्ल में देखना चाहें तो ये इस तरीके से आपका एम सी क्यूज बन सकता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इन वीडियोज़ को आप लाइक किया करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे 6.2 में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।